अगली खबर आ रही है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को लेकर, जहां गुरुवार को सफाई कर्मचारियों के एक समूह ने भाजपा पार्षद के पति की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पार्षद पति ने किसी महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी की थी। सफाई कर्मियों ने जब आपत्ति ली तो वह सत्ताधारी दल से जुड़े होने का रौब झाड़ने लगा। इसी बात पर सफाई कर्मियों ने थाने में भी उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि थाने के भीतर सफाई कर्मी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि राव नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद सीमा चौहान के पति संदीप चौहान ने एक महिला सफाई कर्मी के साथ फोन पर बदसलूकी की थी। महिला सफाई कर्मी अपने साथियों के साथ इस बात की शिकायत करने थाने पहुंची थी। राव पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए भाजपा पार्षद के पति संदीप चौहान को भी थाने बुला लिया। थाने में पहुंचकर संदीप माफी मांगने की बजाय उल्टा रौब झाड़ने लगे। इसी बात पर वहां मौजूद सफाई कर्मी भड़क गए और थाने में ही घेर कर उसे पीट दिया। यह इतना जल्दी हुआ कि पुलिस भी कुछ समझ नहीं पाई और संदीप पीटे जा चुके थे। ऐसे में मामला सुलझने की बजाय विवाद और बढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने बाद में जैसे तैसे पार्षद पति को छुड़ाया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी राव थाना पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया है।